तो दोस्तों आज हम बात करेंगे वक्रांगी के स्टॉक के बारे में। वक्रांगी के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पे स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में ही देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली हमको स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिली थी, लेकिन गिरावट के बाद भी स्टॉक ने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया और अभी अगेन हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार तेजी ही देखने को मिली है। लेकिन आज हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 0.70% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि गिरावट के बाद भी जो ये स्टॉक है वो यहाँ पर अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर बना हुआ है, तो यहाँ से अभी अगेन हमको स्टॉक में रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। यहाँ से अगर अभी स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ पर रिकवरी कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 23.20 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको यहाँ ब्रेक करता है देन ऐसा हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेजी एक बड़ी बाइंग यहाँ पर अगेन देखने को मिल सकती है। अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन ऐसा अभी हमको स्टॉक में 25 देन ऐसा हमको स्टॉक में 27 और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन ऐसा हमको स्टॉक में 30 और 32-35 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। वहीं यहाँ से अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 21 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 19.70 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 18.45 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।